का स्वागत आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके हैं विक्रम के टाइटल टीजर का रिएक्शन। और ये जो हमसे मिस हो गया बहुत, चार पांच दिन हो गए इसको आए हुए और इसको मिस कर दिया हमने, क्योंकि बहुत सारे काम से बिजी थे और दिवाली की सेलिब्रेशन भी आ रही है। तो आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली। वैसे तो अभी कल हम आएंगे ही आएंगे, बिकॉज मास्टर का टीजर आने वाला है तो उसका भी रिएक्ट करेंगे, तो उसमें हैप्पी दिवाली विश करेंगे। लेकिन अभी धनतेरस आज तो उसकी भी आपको हैप्पी धनतेरस। ऐसे ही मनाओ, खुश मनाओ, खुशी करते रहो, एंजॉय करते रहो। और फिर अभी देखते हैं कैसा होता है। इसमें कमल हसन सर है और उनका भी हमने वो भी किया था दस अवतार, उनका सॉन्ग भी किया था, बहुत कमाल गया था किस तरीके से उन्होंने वो सब किया था। एंड बहुत सारे नॉलेजेबल कमेंट्स आए उसके अंदर, उसमें लोगों ने बताया किस तरीके से विष्णु और शिवा के जो उसमें डिवोटीज थे उनकी लड़ाइयां हो रही थी, एंड उसके ऊपर ये पूरा बेस्ड है। एंड उसमें बहुत सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंस के ऊपर बेस्ड है, तो वो पढ़ा था, वो कमेंट करके बहुत मजा आया। एंड लाइक आपको बहुत ज्यादा नॉलेजेबल फील होता है, लाइक आप पूरी मूवी देख लो वैसे ही कमेंट्स थे, तो बहुत मजा आया। देखते हैं फिर ये वाला अपडेट कैसा होता है, ये टाइटल अपडेट कैसा है। यस, ये मूवी जो है उसके डायरेक्टर एंड राइटर दोनों है लोकेश कनगरा जी एंड कमल हसन के। हमने वैसे थोड़े बहुत सीन्स के रिएक्शन कर रखे हैं। हमने एक पहले जो फाइट सीन देखा था, लाइक ये सॉन्ग से पहले फाइट सीन देखा था, तो वो फाइट सीन देख के बहुत ही मतलब मजा आई थी। उन्होंने क्या एनर्जी के साथ उसमें फाइट की थी, बहुत अच्छा सीन लगा था वो। उसके बाद हमने सॉन्ग भी किया था, उसमें भी उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। तब देखते हैं कि टीजर में क्या है। भाई यहाँ पे बहुत शार्प लग रहे हैं, अगर आप देखो तो इसके थंबनेल में देखते हैं। था पूरे टीजर में सिर्फ एक ही लोकेशन, एक ही जगह एंड एक ही सीन बताया है, बट बहुत ही अच्छा टीजर लगा। थोड़ा बहुत सस्पेंस वाला था कि पता नहीं क्या चल रहा है। पहले वो जब स्टार्ट हुआ इतनी प्यारी लोकेशन, इतनी अच्छी लोकेशन दिखाई, उसके अंदर ये लाइक डाइनिंग टेबल इतना बड़ा था, उसे सजा रहे थे, लीव्स वहां पे रख रहे थे, उसके बाद सब आए, बट उससे उसके तुरंत बाद वो अपने वेपन्स को यू नो संभाल के रखने लगे। तो ये समझ नहीं आया, पहले डिनर की तैयारी कर रहे इतनी अच्छे से और एंड फिर अपने इतने सारे उनकी गन्स दिखाई, इतने वेपन्स वो संभाल के रख रहे हैं। एंड जब डिनर करने आए वो भी सीन बहुत अलग था, क्योंकि सब ऐसे मुंह पे पूरा थपके बैठे थे एंड लाइक वो खुशी वाला कुछ माहौल नहीं था, सब ऐसे डरे डरे बैठे थे ऐसा लग रहा था। एंड एंड में वो कमल हसन सर जी कुछ बोले भी, अब वो नहीं पता चला कि वो क्या बोले। अगर आपको पता था बताना हमें कमेंट्स में कि वो क्या बोले। बाकी टीजर तो बहुत अच्छा लगा। एंड एंड में तुरंत उन्होंने लाइक ऐसे कुछ फेंक के भी मारा उनका वेपन, पता नहीं क्या था बट बहुत अच्छा टीजर था। और मेनली ये चीज थी कि भाई जिस तरीके से अनिरुद्ध जो है अपना म्यूजिक बनाते हैं ना, बीजीएम कमाल का होता है। क्या बीच बनाई है, किस तरीके से आपको वो घुसा देता है,
वो एक बीट के ऊपर बीट चलती जा रही है, आपको मजा आता जा रहा है, पूरे उसके अंदर इंग्रोज हो चुके हैं। एंड साथ में कमल हसन का मेनली ये है कि किस तरीके से उसमें बताया गया कि देयर लिव्ड अ गोस्ट, तो वो हाँ गोस्ट हो सकते हैं मेनली, और वो किस तरीके से ये सारे जो लोग आए थे इनको पता नहीं है कि वो यहाँ रहते हो, और फिर उसके बाद कुछ और मेनली सबका मूवीज पे छुपाया गया था दिखाना चाहिए लेकिन सब चोर है, लाइक पुलिस वाला आया था, नेता वाला नेता आए थे, और ये सब चोरों की यहाँ मीटिंग हो रही थी, और उसके बीच में यहाँ ये बंदे थे अमेरिका से ये कुछ अच्छाई के लिए या कुछ करने के लिए और इनसे लड़ने के लिए, फिर उन्होंने वो बुरा वाला वो पूरा बात ले लिया, ऐसे हमने काफी सारी मूवी देखी है, तो ये वैसा कुछ लग रहा है, पर बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, और कमल हसन सर तो बहुत ही ड्रैशिक और कमाल के लग रहे एक्चुअली हैं, हाँ जिस सच तरीके से में उनके सारे मूव्स हैं, उनकी आंखें हैं, बहुत मजा आने वाली, ये लगता है वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक मूवीज होने वाली कमल हसन सर की। आप लोगों को और कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएगा, ऐसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करते जाइए, बाय। बाय।